हाय गाइस, मैं हूं निर्मल और आप देख रहे हैं हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जो है फेसबुक से रिलेटेड, और आई एम श्योर कि आपको ये टिप्स पसंद आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन इज़ नो मोर गेम रिक्वेस्ट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है सिंपली आपको अपने अकाउंट सेटिंग्स में, और यहाँ पर अगर आप अपने नोटिफिकेशंस पर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप्स आता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको उन सभी ऐप्स के नाम आते हैं जिनकी नोटिफिकेशंस आपको आती हैं। बस अगर आप इन पर क्लिक करके अनचेक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आना बंद हो जाएंगी सभी गेम्स की। और अगर आपको चाहिए किसी ऐप की नोटिफिकेशन तो आप उसकी नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडी क्रश, एट बॉल पुल्स, ये सब की नोटिफिकेशन मैंने ऑफ की हुई है। सो मूविंग अहेड, नंबर टू इज़ कन्वर्ट योर प्रोफाइल फोटो इनटू जीआईएफ। सो यस गाइज, अपने प्रोफाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने प्रोफाइल में जाइए, और अगर आप अपने प्रोफाइल पिक पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट प्रोफाइल वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। सो यस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके वीडियोज आपके सामने खुलते हैं। इसमें से आप अपना एक वीडियो कोई तो भी सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं एक वीडियो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, बस आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन अगर आप इसमें लाइक कर देते हैं। सो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि वो आपके प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगा अपलोड होकर के, और वो बाद में कुछ GIF की तरह दिखेगा। सो बस दैट्स इट। सो यस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ सो यहाँ पर तो डिले थोड़ा टाइम ले रहा है ये, यहाँ पर भी पता नहीं, बट यस गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं GIF की तरह दिख रहा है ये वीडियो। सो थोड़ा मूविंग हो रहा है। सो यस डेफिनेटली इट्स गुड कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज नो ऑल योर एक्टिविटीज़। सो यस गाइज, अगर आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ जानना चाहते हैं कि आपने फेसबुक पर अब तक क्या क्या किया है, सो उसके लिए अगर आप यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करते हैं सो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एडिट ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक कीजिए। और यस, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर अपना एक्टिविटी लॉग देखने को मिलता है। यहाँ पर अब तक आपने क्या क्या किया है फेसबुक में वो सब कुछ देखने को मिलता है। सो यहाँ पर मैंने जो फिल्टर है वो सर्च का रखा हुआ है। सो अब तक मैंने क्या क्या सर्च किया है फेसबुक में वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, और आप अपना फिल्टर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इससे फिल्टर को हटाएंगे सो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज अगर मैं आपने लाइक्स पर क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने अब तक क्या क्या चीज़ें लाइक किया है फेसबुक पर। सो ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, जियो है अभी इतना। हाँ यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक मैंने क्या क्या लाइक किया है फेसबुक में। सो यस गाइस, आप इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ सो यहाँ पर आपको फिल्टर से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, अपने अगर क्या वीडियो देखे, इवेंट्स क्या है, आपका पूरा हिस्ट्री जो एक्टिविटी लॉग है फेसबुक का वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ कि आप अपने फ्रेंड लिस्ट में से अपनी पोस्ट को हाइड कर सकते हैं किसी एक पर्सन से। सो यस, मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैंने रिसेंटली कोई पोस्ट किया है। सो सपोज़ ये तो मेरा प्रोफाइल पिक हो गया। सो यस, अगर मैंने ये कोई पोस्ट किया है सो ये अगर मैं आप अगर इसकी प्राइवेसी में जाता हूँ सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक्सेप्ट, और अगर आपको यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता है सो आप मोर पे क्लिक कीजिए, शायद आपको नीचे होगा। पर यस, अगर आप फ्रेंड्स एक्सेप्ट पे जाते हैं सो यहाँ पर आप अपने उन फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या उनको सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को सेलेक्ट करेंगे सो अगर मैं यहाँ पर सपोज आमिर को सेलेक्ट करता हूँ सो ये जो पोस्ट है ये पोस्ट आमिर के अलावा बाकी सारे फ्रेंड्स को दिखाई देगी। सो यस, कुछ इस तरह से कि आप अपने जिन भी फ्रेंड्स को अपने पोस्ट दिखाना नहीं चाहते, उनसे हाइड करना चाहते हैं सो उन पे सेलेक्ट कर लीजिए, और उन सारे फ्रेंड्स को आपकी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। सो यस, ये भी डेफिनेटली ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टर्न ऑफ बर्थडे नोटिफिकेशन। सो यस गाइस, अगर आप परेशान रहते हैं, आपको रोज़ बर्थडे नोटिफिकेशन आते रहते हैं अपने फ्रेंड्स को, और आप नहीं चाहते कि अपने किसी फ्रेंड्स की बर्थडे नोटिफिकेशन आपको आए, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। सो यस गाइस, उसके लिए आपको जाना होगा अपने अकाउंट सेटिंग्स में, और यहाँ पर अगर आप अपने नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं सो आपको यहाँ पर बर्थडेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो यस, इस पर क्लिक कीजिए, और बस इसको आपको ऑफ करना है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे सो आपको किसी फ्रेंड्स के बर्थडे नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, और कैसी लगी आपको ये टिप्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा अगर आप किसी और टिप्स या ट्रिक्स के बारे में जानते हैं फेसबुक से रिलेटेड। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे चैनल पर गिव अवे चल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।